सपोज करिए बच्चों, ये हमारे पेपर में आ गया कि 4 अमोनिया प्लस 5 ऑक्सीजन गिव्स 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, राइट इक्वेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि आप पेपर में इसको 2 स्टेप में लिखें, आप पेपर में इसको 1 स्टेप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन है ना इज इक्वल टू, बताइए अमोनिया और ऑक्सीजन का क्या होगा, अपीयरेंस होगा कि डिसअपीयरेंस होगा? डिसअपीयरेंस होगा क्योंकि रिएक्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको 2 स्टेप में लिखें, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया एंड ऑक्सीजन, ये हमने लिख लिया रेट ऑफ, बोलो बच्चों डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू, भाई जितना ये डिसअपीयर होगा उतना ही अपीयर होगा, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रेट ऑफ, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों आप, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनओ एंड वाटर, ये लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन को कॉमन लिखना है, न तो रिएक्टेंट के लिए लिखना है न तो प्रोडक्ट के लिए लिखना है, तो हम उसको dx/dt लिखते हैं। हम उसको क्या लिखते हैं, dx/dt इज इक्वल टू, अब ये डिसअपीयरेंस है इन दोनों का, तो -1/4, अभी कुछ देर पहले बताया था चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद द चेंज इन टाइम इज डायरेक्ट। भाई पहले हम क्या करते थे, रिएक्टेंट के लिए अलग लिखते थे, प्रोडक्ट के लिए अलग लिखते थे, हम चाहें तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना, इज इक्वल टू -1/5 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द चेंज इन टाइम। तो ये डिसअपीयरेंस का हो गया, अब अपीयरेंस का लिख दीजिए, अपीयरेंस क्यों, डिसअपीयरेंस में माइनस आएगा तो अपीयरेंस में क्या आएगा, प्लस आएगा, तो +1/4 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनओ, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनओ विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू +1/6 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विद द चेंज इन टाइम। तो ये आपकी फाइनल हमारा आंसर हो गया, है ना। तो देखो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन ना रिएक्टेंट के लिए लिखनी है ना प्रोडक्ट के लिए लिखनी है, तो वहाँ पर बच्चों हम उसको क्या मान सकते हैं, केवल पॉजिटिव फॉर्म में आप लिख सकते हैं, है ना, और रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है और प्रोडक्ट अपीयर होता है। तो ये इस तरह की जो फॉर्मेशन है हमारे बच्चों, ये कहाँ काम आएंगे, व्हेन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल। चलिए बच्चों, ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक न्यूमेरिकल है ना, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इन्होंने एक हमें इक्वेशन दी है और सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि ये जो हमने रिएक्शन आपको दी है इसको आप रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में लिखो, यानी वही जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, पहले हम रिएक्टेंट का लिखते हैं फिर इज इक्वल टू हम प्रोडक्ट का लिखते हैं, हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ तक तो एक क्वेश्चन हो गया, चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई, आंसर नंबर 1। चलिए क्या लिखना है हमें, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब ये दोनों रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन क्या होता है, निगेटिव माइनस, और जो भी मोल होता है वो कहाँ चला जाता है, अपॉन में, तो -1/4 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू -1/5 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट पे आ गए, ये होगा प्लस, डायरेक्ट लिख दिया बच्चों मैंने, +1/4 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनओ, ध्यान दीजिए आपको दिखेगा नहीं, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनओ विद द चेंज इन टाइम, फिर एनओ के बाद ये वाटर बचा, +1/6 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विद द चेंज इन टाइम। कोई दिक्कत बताइए भाई, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं तिवारी सर। तो एक वाले पार्ट का आंसर यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया। अब इसी पर बेस्ड, ये जो आपने इक्वेशन लिखी है इसी पर बेस्ड उन्होंने अगला पार्ट दिया कि इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ इज इतना, यानी एनओ का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो इतना दिया है, एनओ यानी ये वाला जो आपका पार्ट है, देखो मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, ये वाला जो आपका पार्ट है फॉर्मेशन का वो इन्होंने इतना दिया है, कितना, 3.6 × 10³। बच्चों ये जो फॉर्मेशन का पार्ट आपको दे रहे हैं ना, इसमें ये 1/2 और 1/4 शामिल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ी गलती करता है बच्चा।
आपको जो ये कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ इज इतना, यानी वो सिर्फ इतने की बात कर रहा है, 1/4 को शामिल नहीं कर रहा है, तो क्या करना है बोलो, तो क्या करना है, कैलकुलेट दी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। दो बातें पूछ रहे हैं कि अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ इतना है तो आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालिए, बी छोड़िए अभी। तो हम इसका ए पार्ट करने जा रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, ये हमें निकालना है, ये हमें क्या करना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं भाई, तो हमें जो निकालना है बच्चों वो निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, ऑफ अमोनिया, अमोनिया का हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है। तो बच्चों रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया क्या होगी, इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ। यहां देखो ना, जितनी भाई देखो ये दोनों माइनस में है, जितना ये कम होंगे उतना ये ज्यादा बनेंगे, क्योंकि सारे तो आपस में इक्वल है ना, तो कितनी अमोनिया डिसअपीयर होगी, उतनी अमोनिया डिसअपीयर होगी जितना एनए अपीयर होगा, एनओ अपीयर होगा, ये दोनों बराबर है, इसको इससे कोरिलेट कर दो या इससे, किन्हीं भी दो को आपस में कोरिलेट कर दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ। तिवारी सर आपने एनओ क्यों लिया, क्योंकि हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ दिया है, तो इज इक्वल टू हम ले सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ। अब आपको एनओ का रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया है और डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया कितना दिया है, अमोनिया के डिसअपीयरेंस का फार्मूला है -1/4, है ना, मैं आपको इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, अमोनिया के डिसअपीयरेंस का फार्मूला हो जाएगा -1/4 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद दी चेंज इन टाइम। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनओ कितना होगा, ये एनओ है, +1/4 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ एनओ विद दी चेंज इन टाइम, यही हुआ। अच्छा हमें क्या निकालना है, अमोनिया का अपीयरेंस, चलिए निकालते हैं। जब अमोनिया का अपीयरेंस निकालेंगे तो क्या होगा बोलो, क्या होगा, ये होगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख लो इस चीज़ को बच्चों, मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना, अगले स्टेप में देखो, चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू भी लिखनी है, इज इक्वल टू चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, ये फोर उधर चला जाए, ये तो माइनस ही रहेगा ना, क्योंकि डिसअपीयरेंस निकालना है, कम हो रहा है तो माइनस रहेगा, इज इक्वल टू ये वाला फोर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4/4 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी दी है भाई, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ, तो एनओ की जो वैल्यू हमें दी है 3.6 × 10⁻³, ये दी है वैल्यू, तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया कि जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3.6 × 10⁻³, यही आ जाएगा पूरा का पूरा, ये आ जाएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ये पहला निकाला, ये हमने पहला निकाला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो फिर से देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन हमने ये पूरा लिख दिया, पहला निकालना था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ होगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ, तो हमने दोनों के फार्मूले लिख दिए, हमें ये निकालना है तो 4 वहां चला गया तो 4/4 और ये आ गया। चलिए अगला हमें क्या निकालना है बच्चों, अगला हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। चलिए अब मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ तक ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, हमने कर लिया है। अब देखिए, अब हमें निकालना है बच्चों रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी कितना बनेगा, ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों, एक बात बताइए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना होगा, जितना कि होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ, यही होगा ना, तो इसका हम अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं। बी हमसे पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ, भाई कितना एनओ बनेगा, उतना एनओ बनेगा भाई, ये दोनों फॉर्मेशन ही कहलाएंगे ना, ये डिसअपीयरेंस है और ये अपीयरेंस है, तो जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो पूछा जाता है ना बच्चों, उसे हम पहले लिखते हैं, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ इज इक्वल टू, बोलो बेटा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ। आपने जो न्यूमेरिकल लिखा है बच्चों पॉज करके, उस न्यूमेरिकल में एनओ का फॉर्मेशन कितना दिया है, 3.6 × 10⁻³, यही तो दिया है ना। चलो अब इन दोनों की इक्वेशन लिखते हैं। देखो बच्चों, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इसीलिए लिखी है,
जो दो पूछा जाए उन दोनों की इक्वेशन लिख दो। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कितना है बोलो, प्लस 1/6, है ना। चलिए दूसरे कलर के पेन से लिखते हैं ताकि ये फार्मूला आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस 1/6 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, एनओ, ये एनओ है, प्लस 1/4 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनओ विद द चेंज इन टाइम, यही है ना। चलिए ये हमने ले लिया, बाकी अब हम पूरा मिटा दें क्योंकि अब हमें कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से, नीचे का तो क्लियर हो गया है सब। चलिए अब वैल्यू कितनी है, फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी थी, 3 × 10⁻³, 3.6 × फॉर्मेशन, 3.6 ये हमारी वैल्यू थी फॉर्मेशन की। अब क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, है ना। तो हम ये लिखेंगे, 6 को उधर ले आएंगे, तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विद द चेंज इन टाइम dt, चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 6 वहां चला जाएगा, 6/4 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनओ विद द चेंज इन टाइम। चलिए बताइए भाई, एनओ का फॉर्मेशन कितना हमने निकाला था, एनओ का जो हमने फॉर्मेशन निकाला था वो निकाला था 3.6 × 10⁻³, तो हो जाएगा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, है ना। चलिए नीचे जोड़ देते हैं, यहाँ तो यही लिखे रहने दीजिए 6/4, यहाँ पे हम लिखे रहने देते हैं 6/4, तो हो जाएगा 6/4 इंटू एनओ की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 3.6 × 10⁻³, 3.6 × 10⁻³, ठीक है। तो बच्चों जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इस पूरे फैक्टर को जो मैंने लिखा है आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 5.4, जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों 5.4 × 10⁻³, 5.4 × 10⁻³ मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। बहुत बढ़िया सवाल था बच्चों, ये बहुत ही प्यारा सवाल था। क्यों, देखिए हमको जो भी क्वेश्चन पूछे पेपर में, सबसे पहले हमें उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बनानी है, रेट ऑफ रिएक्शन से फिर हमें अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात करनी है। ठीक है, पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। बच्चों हमारा अगला न्यूमेरिकल है इनर रिएक्शन, एक ही हमारी रिएक्शन है, 2N2O5 गिव्स 4NO2+O2, है ना, ये रिवर्सिबल होती है रिएक्शन। तो यह N2O5 गिव्स 4NO2+O2, द कंसंट्रेशन ऑफ NO2, यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस बाय 2 × 10⁻², मोल इंटू लीटर इनवर्स, इसका कंसंट्रेशन इतना बढ़ता है, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन कितने टाइम में बढ़ता है, इन 5 सेकेंड्स विद द चेंज इन टाइम। तो वही हमने बताया, कैलकुलेट, आपको दो चीज़ निकालना है बच्चों, पहली निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अब बच्चों देखो, जब भी कभी, मैंने आपको एक चीज़ बहुत प्यारी बताई है, कभी भी हमारी परीक्षा में कोई भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, चाहे वो अपीयरेंस क्या है, चाहे वो डिसअपीयरेंस क्या है, चाहे वो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने क्या है, सबसे पहले आप उसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिख दीजिए। अगर आप वो लिख देंगे तो आपका आधा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लिखते हैं भाई, ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, बताइए क्या लिखें हम इसके लिए, लिखेंगे इज इक्वल टू −1/2 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम इज इक्वल टू प्रोडक्ट है प्लस हो जाएगा प्लस 1/4 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू प्लस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द चेंज इन टाइम। ये हो गया बच्चों। चलिए तो ये हमें लिखना ज़रूरी है क्योंकि बिना इसके हम सवाल नहीं कर सकते। चलिए पहला पार्ट शो करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो हम किसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, हमें निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2 क्योंकि NO2 गए तो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2, NO2 की हम क्या निकालते हैं बच्चों बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2 दो होगा, ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल मतलब ये पूरा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा हो जाएगा 1/4। NO2 का निकालना है, ये प्लस में है, पॉजिटिव में है, NO2 का पॉजिटिव में है, तो ये पूरा का पूरा हम इसको यूज़ कर लेंगे, ये पूरा का पूरा हम यूज़ कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 1/4 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद द चेंज इन टाइम।
चलिए वैल्यू रखते हैं, बताइए क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू एन ओ टू के कंसंट्रेशन की कितनी वैल्यू दी है, ये दी है 2 × 10^-2 अपॉन टाइम कितना दिया है बोलो, 5 सेकेंड, तो ये हो गया 5, तो हो गया 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया बताओ, = 10^-2 और नीचे 2 × 5 = 10, ये 10 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10^-3, है ना। अगर आप यूनिट लिखो तो हमारा जो आंसर आया इसका, इसका जो हमारा आंसर आया वो आया 10^-3, 10^-3 मोल, ये हो जाएगा मोल इंटू लीटर इन्वर्स, मोल इंटू लीटर इन्वर्स इंटू सेकेंड इन्वर्स, लीटर इन्वर्स इंटू सेकेंड इन्वर्स, क्लियर। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनओ टू, बहुत ईजी है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है अगला, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एन टू ओ फाइव, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एन टू ओ फाइव, ये कैसे निकलेगा भाई, एन टू ओ फाइव के कंसंट्रेशन में कितनी कमी आएगी बताइए, एन टू ओ फाइव के कंसंट्रेशन में उतनी ही कमी आएगी जितना कि एन ओ टू के कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी होगी। भाई सारे ही तो आपस में बराबर हैं, देखिए मेरी बात को ध्यान दें, जो आपको दिया है और जो आपसे पूछा है हमेशा उन दो को कोरिलेट कर दीजिए, जो पूछा है उसको पहले लिख दीजिए और जो दिया है उसको बाद में लिख दीजिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनओ टू इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ टू, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ टू के बराबर होगा। चलिए तो हम N2O5 की वैल्यू लिखें, क्या है N2O5 की जो हमारा मान दिया है वो क्या दिया है भाई, वो दिया है -1/2 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद द चेंज इन टाइम। चलो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 ये कितना दिया है, ये दिया 1/4 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद द चेंज इन टाइम, ठीक है ये हमें दिया है। अब हमें निकालना ये है, तो 1/2 उस तरफ ले जाए, 1/2 को उस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 2 पर चला जाएगा, ये माइनस है क्योंकि हमें यही निकालना है, तो 2/4 इंटू चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू। अब NO2 अपॉन चेंज इन टाइम की वैल्यू कितनी निकाला हमने, 10^-3, भाई यही तो निकाला हमने NO2 की पूरी वैल्यू, ठीक है। चलो इसको देखते हैं भाई क्या हो गया, अब ये हो गया 2/4, तो ये हम लिखेंगे 2/4 इंटू NO2 का कितना दिया था चेंज इन कंसंट्रेशन, बताइए भाई सोच के बताइए, सारे बच्चे सोच के बताइए भाई कि N2O5 का चेंज इन कंसंट्रेशन कितना दिया था भाई बताइए, हाँ बोलो भाई कितना दिया था, 2 × 2 = 4, तो यहाँ का 2 ऊपर चला गया है ना, ये नीचे आ गया इंटू, हाँ सोच के बताइए बच्चों, जल्दी सोचिए और बताइए मुझे फटाफट, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, चलिए N2O5 का लिखते हैं भाई, N2O5 का क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद द चेंज इन टाइम। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितना निकाला बच्चों, 10^-3, ये निकाला 10^-3। अब हमें निकालना है N2O5 का कितना कंसंट्रेशन चेंज आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 10^-3 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों हमारा पहला जो आंसर आएगा वो आएगा 10^-3 और हमारा जो दूसरा आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 2 × 10^-3 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। पॉज करिए और नोट कर लीजिए। अगला हम बच्चों देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, ये जो है हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स है उसी में हम अगला देखते हैं बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्या है बच्चों, ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन को
अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। बच्चों इसको पढ़ने के पहले एक टॉपिक है जो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और उस टॉपिक का नाम है बच्चों इफेक्टिव कोलिजन, है ना। वो टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? इफेक्टिव कोलिजन। क्या होता है इफेक्टिव कोलिजन? बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? देखो बच्चों, ये ए मॉलिक्यूल है प्लस ये बी मॉलिक्यूल है, ये ए मॉलिक्यूल है ना, ये क्या है बच्चों? बी मॉलिक्यूल है, और जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो ये बनता है 2AB, है ना। ये दोनों जो है रिएक्टेंट्स हैं, समझिएगा मेरी बात को, और इस तरफ जो बन रहा है ये प्रोडक्ट है। अब बच्चों मुझे एक बात बताइए, जब ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर ये प्रोडक्ट बनाया होगा तो क्या हुआ होगा? ऑब्वियसली इन दोनों के बीच के बॉन्ड टूटे होंगे, क्योंकि 2AB है, ये वाला A इस बी से जुड़ गया, ये वाला A इस बी से जुड़ गया, रिएक्टेंट के बीच के बॉन्ड टूटे होंगे और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड बने होंगे। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में टकराते हैं, तो उससे क्या होता है सर? जब ये टकराते हैं तो उनके बीच के बॉन्ड टूटते हैं, और जब बॉन्ड के टूट के वो नए बॉन्ड जो बनाते हैं उसके थ्रू वो प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? अगर इफेक्टिव कोलिजन कम होगा तो क्या होगा? तिवारी सर कम प्रोडक्ट बनेगा। इफेक्टिव कोलिजन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं क्या? हम कह सकते हैं क्या? इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल कह सकते हैं सर, क्योंकि सर आपने तो हमें लिख के बताया कि जितने ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा मॉलिक्यूल के बीच में उनके बॉन्ड उतनी जल्दी टूटेंगे, जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेंगे उतने जल्दी वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों कि क्या होता है इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन वो होता है जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में होता है। कम इफेक्टिव कोलिजन कम बॉन्ड, ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा टॉपिक करते हैं बच्चों कि राइट डाउन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। अगर ये हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे आता है मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। राइट डाउन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, उन सारे फैक्टर्स के बारे में लिखो जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं बोलो? इफेक्ट करते हैं। तो राइट डाउन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखें, चलिए देखते हैं। अब बच्चों क्या है देखिएगा आंसर, पहला फैक्टर है बच्चों इसको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हमारा पहला फैक्टर है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होगी तो क्या होगा? इफेक्टिव कोलिजन भी कम होगा। इफेक्टिव कोलिजन कम होगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी कम होगा। तो अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। देखो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये हुआ कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। और यदि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यदि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप इसको लिख लीजिएगा, ये अगर ज़्यादा होगा, ये ऊपर मतलब ज़्यादा नीचे कम, ज़्यादा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में जो इफेक्टिव कोलिजन होगा वो भी ज़्यादा होगा। और अगर इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगा तो रेट तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा। और अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो तिवारी सर फिर तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये भी ज़्यादा हो जाएगी। तो कह सकते हैं क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होंगे प्रोडक्ट कम बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। चलिए ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया तिवारी सर। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में।
ठीक है। हमारा अगला पॉइंट कौन सा है, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बच्चों जो हमारा कहता है वो कहता है प्रेशर ऑफ रिएक्शन, है ना, क्या कहता है, वो कहता है प्रेशर ऑफ रिएक्शन। लेकिन बच्चों प्रेशर का जो फंडा हमारा चलेगा ये केवल उस रिएक्शन पे चलेगा जो रिएक्शन हमारी किस फॉर्म में होंगी, गैसियस फॉर्म में होंगी। तो प्रेशर ऑफ रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट चलेगा ये किस रिएक्शन में होगी बच्चों, ये उन रिएक्शन में होगी जो किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। तो अगर हमारी रिएक्शन गैसियस फॉर्म में है, इफ रिएक्शन इज इन गैसियस फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, यदि जो हमारी रिएक्शन है बच्चों, इफ रिएक्शन इज इन गैसियस फॉर्म, यदि जो हमारी रिएक्शंस हैं ये गैसियस फॉर्म में है तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे बच्चों, एक बात बताओ, यदि हम प्रेशर को बढ़ा दें, प्रेशर को बढ़ा दें, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखो ये हमने प्रेशर को बढ़ा दिया। तो बच्चों अगर अपन प्रेशर को बढ़ा, मान लो यहाँ पे छः मतलब मान लो यहाँ दस मॉलिक्यूल्स हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अभी प्रेशर कम है तो मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो अगर मॉलिक्यूल दूर दूर है तो इफेक्टिव कोलिजन कम होगा कि ज़्यादा होगा, तिवारी सर इफेक्टिव कोलिजन कम होगा। चलिए हमने प्रेशर को बढ़ा दिया तो बताइए वॉल्यूम क्या हो गया, बोलो कम हो गया, तो वॉल्यूम कम हो गया तो वो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए कि पास पास हो गए, तिवारी सर पास पास हो गए, जब पास पास हो गए तो इफेक्टिव कोलिजन कम होगा कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट कम बनेगा कि ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा बनेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, बहुत ईजी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कम होगा, भाई प्रेशर बढ़ाया, ये देखो ना, ये मैंने बताया था अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम घटेंगे कि बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे, भाई पहले एक लीटर में थे 10, जब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हुआ, आधे लीटर में 10 हो गए, तो प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो क्या होगा बोलो, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस, पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, जब बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, कम जगह में ज़्यादा हो जाएंगे, तो तिवारी सर इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगा, इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा, सीधी सी बात भाई, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ेगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका तिवारी सर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो बढ़ जाएगा, और भैया जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ जाएगा तो आर ओ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। कितनी प्यारी चीज़ है बच्चों कि इफ इन गैसियस फॉर्म प्रेशर विल इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम मोल्स बढ़ जाएंगे, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इसका मतलब प्रेशर बढ़ने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी और प्रेशर घटने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों हमारा ये है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। ये तो बच्चों ईजी है और आपने पढ़ा भी होगा कि जो टेम्परेचर होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है ना, जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है ना, कैसे बढ़ाता है तिवारी सर बताइए। देखिए बच्चों एक बात बताओ कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बिल्कुल तिवारी सर, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी भाई, अगर मॉलिक्यूल हैं उनको गर्म किया जाए तो तेज़ी से भागेंगे, तेज़ी से इधर उधर भागेंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। भाई जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज़्यादा भागेंगे तो ज़्यादा टकराएंगे, तो क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा कि घटेगा, बिल्कुल तिवारी सर बिल्कुल करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव कोलिजन होगा वो भी बढ़ेगा। भाई इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो क्या होगा, अरे सर फिर तो छोड़ दो आप, फिर तो ये है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ गया ना तिवारी सर तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसका मतलब बात बिल्कुल साफ है कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और यदि टेम्परेचर घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको तीन फंडा बताया है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, प्रेशर ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा मैंने आपको बताया है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। चलिए अगले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है बच्चों हमारा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। क्या है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है बच्चों। पॉइंट चौथा पॉइंट है हमारा सरफेस
सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया, यदि रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। वो कैसे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यदि हम लकड़ी को जलाते हैं तो इट टेक अ लॉन्गर टाइम टू बर्न, क्योंकि एक लकड़ी का लॉग ऑफ वुड, उसका सरफेस एरिया कम होता है। यदि उसी लकड़ी को बच्चों हम बुरादा के रूप में ले लेते हैं, सॉडस्ट बोलते हैं बुरादा को, और उसको जलाएंगे तो जल्दी जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि इफ़ यू हैव कन्वर्टेड अ लॉग ऑफ वुड इनटू अ सॉडस्ट, देन देयर सरफेस एरिया विल इंक्रीज। अगर हमने लकड़ी को बुरादे के रूप में कन्वर्ट किया है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया और अब वो जल्दी जलेगा। तो रेट रिएक्शन बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई। इसी तरह से बच्चों चौक है, चौक को एक खड़ी चौक को पानी में डालें तो जल्दी गीली नहीं होगी, बारीक पीस का डाल दें तो जल्दी गीली हो जाएगी। इट मीन्स सीधे सीधा हम ये कह सकते हैं विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, है ना, सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, यदि रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हम ये कह सकते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। कोई एग्जांपल पूछे तो हम ये कह सकते हैं लॉग ऑफ वुड बर्न्स टेक अ लॉन्गर टाइम टू बर्न, वेयर एज द सॉडस्ट डस्ट विल टेक अ वेरी लेस टाइम टू बर्न। चलिए, पांचवा है बच्चों कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में तो जग जाहिर है, क्या होता है भाई कैटलिस्ट? विच डजंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। जैसे मैं हूँ, मैं आप लोगों के लिए कैटलिस्ट हूँ, आपकी पढ़ाई तो नहीं करूँगा लेकिन आपको समझाकर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता हूँ। ये भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे, नेगेटिव जो रेट ऑफ रिएक्शन कम करेंगे। तो बच्चों जो कैटलिस्ट हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट बच्चों वो होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। दूसरे जो कैटलिस्ट होंगे वो होगा नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है, है ना। तो ये इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत है ना? आपने इसके बारे में पढ़ा होगा बच्चों कि जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है जब हम अमोनिया बनाते हैं हेवर प्रोसेस से, है ना। चलिए मैं आपको एग्जांपल भी लिख के बता दूं, अगर आप देखें तो ये हो गया N2, ये हो गया प्लस 3H2 और ये हो गया आयरन और ये हो गया अमोनिया। तो बच्चों जब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, और जब अमोनिया बनता है तो अमोनिया की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आयरन लेते हैं। तो आयरन क्या कर रहा है, अमोनिया के फॉर्मेशन को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? बढ़ा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो आयरन होगा बच्चों ये हो जाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तिवारी सर थोड़ा नेगेटिव कैटलिस्ट का भी एग्जांपल दे दो ना। चलिए देते हैं भाई नेगेटिव कैटलिस्ट का। बच्चों आपने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा? बिल्कुल सुना है सर। और जब इस क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो बनती है फॉस्जीन पॉइजनस गैस COCl2 प्लस HCl, है ना। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ दो दो लगा सकते हैं। तो ये जो है ये है क्लोरोफॉर्म, सबने इसका नाम सुना है, ये है क्लोरोफॉर्म। ये कौन सी गैस है बच्चों? ये जो गैस है ये गैस है फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन आपको मालूम जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस है, पॉइजनस गैस है। तो जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर ये पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन कम करने के लिए हम इसके अंदर मिलाते हैं 1% इथेनॉल। क्या मिलाते हैं बच्चों? 1% C2H5OH। तो ये 1% C2H5OH क्या करता है, फॉस्जीन के क्वांटिटी को बहुत ही कम कर देता है, लगभग जीरो के बराबर कर देता है। तो यहाँ पर आयरन अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो यहाँ पर इथेनॉल हमारा कौन सा कैटलिस्ट हो गया बच्चों? ये जो तुम्हारा 1% इथेनॉल हो गया, C2H5OH हो गया, ये कौन सा कैटलिस्ट हो गया बताओ? ये हो गया हमारा नेगेटिव कैटलिस्ट, ये हमारा हो गया नेगेटिव कैटलिस्ट। तो बच्चों मैंने कई सारे आपको पॉइंट्स बताए जो आप अपने पेपर में ले सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं या इफेक्ट करते हैं। पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा मैंने बताया आपको कि सरफेस एरिया, तीसरा मैंने बताया प्रेशर ऑफ रिएक्शन, अगला बताया आपके टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन और लास्ट में बताया आपके कैटलिस्ट। तो बच्चों इनको अच्छे से पढ़िएगा, जो न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हैं रेट ऑफ रिएक्शन के उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और सो मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। अगले पार्ट में बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो तैयार रहिए बिल्कुल पढ़ने के लिए।